सीक्वेंस चल रहा है इसमें ये दिखाया कि एक तो जो मड़की है वो भजन गा रही है और नैना की जो चाची है चुलबुली उसको वो आवाज़ सुनाई देती है और उसको लगता है कि ये काली कहाँ से मतलब की आवाज़ आ रही है। तो वो कहती कौन गा रहा है, तो वो बोलती हैं कि मड़की गा रही है। तो वो कहती कि आप वीडियो खींचो ताकि मैं बाद में देख सकूं जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब दोनों और जो नैना है वो ये अभी प्लान थोड़ा बना रही है कि वो ठाकुर का पर्दाफाश करे। तो वो ये एक तो गांव वालों के आगे अच्छा बनती है, गंगा मैया की मूर्ति लाती है, दोबारा से स्थापित करती है मंदिर में, श्रृंगार करती है, लोग बड़े खुश होते हैं। मैं जो हूँ मैं भी बड़ी खुश होती हूँ। वो कहती है कि अब आपको लगता है, महंत को कहती है कि भाई क्या मुझे गंगा मैया माफ़ कर देंगी? तो मैं आगे बढ़कर बोलती हूँ कि ज़रूर कर देंगी क्योंकि तुम इतनी सेवा कर रही हो। महंत जी चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते और चले जाते हैं। अब उसकी ये प्लानिंग है कि कैसे मैं गाँव वालों को अपने हाथ में लूँ और मतलब कैसे उनको ये बताऊँ कि भाई उनकी बेटियाँ जो इतने सालों से गंगा पार हैं आश्रम में, क्या वो किस हाल में हैं क्या नहीं, कैसे माएँ या बाप पे मतलब जानना नहीं चाहते। तो वो उनके पास बहाने से जाती है, बात बात करती है, कहती है कितना अच्छा है ये पूजा ये वो सब, ऐसी आश्रम में गंगा पार भी होता होगा, साध्वियाँ ये कर। वो कहती हमें तो पता नहीं। तो कहती क्यों आप लोगों का मन नहीं होता कि देखें आपकी बेटियाँ? तो वो कहते हैं लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कहते हैं नहीं नहीं ठाकुर साहब तो बहुत अच्छे दिल के हैं, तो क्यों ना उनसे बात करिए, हम कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं कर सकते, वो तो हर चीज़ के लिए गांव वालों के लिए तैयार रहते हैं। तो औरतों को लगता है अच्छा। तो वो कहते हैं ठीक है चलते हैं। देन मैं पीछे से आ रही हूँ और मैं सुनती हूँ और मेरा सबको कहना ये होता है कि देखो ऐसे मत करो, ये जो नियम का उल्लंघन होगा और माँ गंगा मैया नाराज, बिकॉज गाँव के लोग हैं अनपढ़ हैं, जो प्रथाएँ चली आ रही हैं। तो ये तभी नहीं, आज तक भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो ऐसी झूठी प्रथाओं पे बिलीव करते रहते हैं और जो ठाकुर या पुजारी या महंत होते हैं उनको इस तरह वो करते रहते हैं। तो मैं उनको कहती ऐसे मत करो, मत जाओ, मतलब गलत हो जाएगा, इतने टाइम से प्रकोप से बचे रहे हैं बाढ़ के, ऐसा ना हो गंगा मैया ने। तो सब करके चुप हो जाती हैं, नहीं जाते। पर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कन्विंस करा लेती है नैना और साथ मतलब ठाकुर के घर जाते हैं, तो उसमें मैं भी जाती हूँ। उसके बाद क्या ड्रामा है, ठाकुर साहब क्या